हरियाणा में भाजपा की 60 से 62 सीटें आने वाली है। क्योंकि लोगों को भ्रम पैदा करना है, सरकार हमारी आ रही है, सरकार आ रही है, सरकार किसकी आ रही है वो तो मैंने पहले बता दिया, ये सरकार के नजदीक भी नहीं है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंद्री में भाजपा प्रत्याशी राम कुमार कश्यप के लिए वोट की अपील की और इस दौरान प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरियाणा की तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचने का दावा भी किया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का दावा तो कर रही है, मगर हकीकत यह है कि कांग्रेस इस चुनाव में सरकार के कहीं नजदीक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 60 में से 62 सीटें जीतकर तीसरी बार सरकार बनाएगी और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये संकल्प आपको कराने आया हूं, ये अपील कराने आया हूं, अपील करने आया हूं कि आप लोग फिर से एकजुट होकर और घर घर जाकर हर वोट को आप लोग अपील करें कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार तीसरी बार सरकार बनानी है और उसके ये सरकार हम बना रहे हैं कि कांग्रेस बना रही है, ये तुलना रोजाना तुलना करके सोते हैं। कुछ लोग भाजपा की सरकार बना के सोते हैं, कुछ लोग कांग्रेस की सरकार बना के सोते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको अपना विश्वास बता सकता हूं कि इस बार निश्चित रूप से रिकॉर्ड बनेगा कि लगातार तीसरी बार हरियाणा में किसी ने सरकार बनाई तो आप लोगों ने बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। पुराने इतिहास में मत जाओ, आप 2004 बताइए सेंटर में किसकी सरकार थी, किसकी सरकार थी प्रदेश में, किसकी बनी 2009 सेंटर में, किसकी थी होती नहीं 2009 में, और अरे सुन लो, पहले मेरी बात सुन के जवाब दो, 9 में सेंटर में कांग्रेस की थी, हरियाणा में किसकी बनी 2014 में सेंटर में किसकी थी भाजपा की, हरियाणा में किसकी बनी 2019 में सेंटर में किसकी थी हरियाणा में किसकी बनी, और 2024 में सेंटर में किसकी है हरियाणा में किसकी बनेगी। तो क्या लोगों को भ्रम पैदा करना है, सरकार हमारी आ रही है, सरकार आ रही, सरकार किसकी आ रही है वो तो मैंने पहले बता दिया, ये सरकार के नजदीक भी नहीं है। मैं बता रहा हूं कि मीडिया के मित्रों ने कुछ सर्वे कराए हैं, एक सर्वे ने मैं 2 दिन पहले ही पढ़ा है, एक में भाजपा को 49 सीटें दे रहे हैं, दूसरी को 50 दे रहे हैं, कुछ सीटें उन्होंने कही है कि अभी अभी कांटे की टक्कर में है। और मैं आज आपको तो बता रहा हूं हरियाणा में भाजपा की 60 से 62 सीटें आने वाली है। इस लोकसभा में जैसे लोकसभा के चुनाव में 9 की 9 विधानसभा में लीड थी, इस बार 9 के 9 विधायक हमारे ये चुने जाने वाले हैं, उसमें हमारे रामकरण कश्यप जी, ये आपके हाथ में, आपने चुनना के नहीं चुनना है, चुनना के नहीं, चुनना के नहीं। एक बात मैं आखिरी बात कह के मुझे निकलना बता देता हूं, केवल इच्छा रखने से काम नहीं होगा, केवल इच्छा रखने से, इच्छा तो सब अच्छी रखते हैं, आज यही भाषण कांग्रेस के मंच से दिया ना जाओगे वो भी इच्छा व्यक्त यही कर रहे हैं, लेकिन हम सब इतने निष्ठावान या लोग बैठे हैं, हमारे वोट तो अपना वोट तो एक ही है, परिवार के 4 लोग हो तो 4 लोग वो 4 वोट उनके हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें अपने अपने बूथ पर, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में हर घर जाना पड़ेगा और हर घर को ये बातें याद करानी पड़ेंगी। उधर इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी राम कुमार कश्यप ने भी इंद्री वासियों से वोट की अपील की और साथ ही चुनावी भाषण में नौकरी का लालच देने वाले बयानों को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। तुलपरा में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, तो इसमें देखिएगा हमारे माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं, उन्होंने शिरकत करी, उन्होंने हमारे को संबोधित किया, उन्होंने भी मेरे लिए यहाँ पर वोट की अपील किया, सभी ने हाथ उठा करके सब वोट देने का समर्थन किया, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अपने कीमती समय निकाल करके लिए मेरे लिए वोट की अपील की है। आता रहा, मीटिंगें करते रहे, लोगों से मिलते रहे, बैठ के करते रहे, ठीक है ना।
ठीक है, वो हो सकता है पानी की प्रॉब्लम थी, हो सकता है उससे वो कोई डेथ हो गया, तो वो तो जो मेडिकल की रिपोर्ट है वो बताएगी उसको डेथ की। आप कह रहे हैं भी हम तो जो कांग्रेस वाले की प्रवृत्ति रही है, इस प्रकार उन्होंने कहा पहले जो बनेंगे हम अपना भर, तो हम घर भरेंगे फिर दोस्तों का फिर रिश्तेदारों का, तो मैं कहता हूँ इस प्रकार की जो विचारधारा में कोई बड़ा नेता आने वाला है सर इसके बाद, बहुत नेता आएंगे हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बजराज शर्मा जी 26 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है इंद्री में बजाज पैलेस में, वो उस रैली को संबोधित करेंगे और मेरे लिए वोट की अपील करेंगे। बता दें कि इंद्री में दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे राम कुमार कश्यप को जगह जगह भारी जनसमर्थन मिल रहा है, शहर से लेकर गांव-गांव तक लोग राम कुमार की जनसभा में बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ऐसे में आज मनोहर लाल खट्टर ने इंद्री पहुंचकर राम कुमार कश्यप के पक्ष में और बड़ा माहौल बना दिया। इंद्री से मेनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।